प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी दें, महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में बड़ा अपडेट है। आज सुबह 9 बजे से तीनों आरोपियों को रिमांड पर सीबीआई लेने वाली है। 4 अक्टूबर शाम 6 बजे तक सीबीआई की कस्टडी में ये तीनों आरोपी होंगे। और आपको बताएं कि आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से सीबीआई पूछताछ करेगी। सीजेएम कोर्ट ने कल तीनों आरोपियों को 7 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा था। सीबीआई आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से पूछताछ करेगी। सीजेएम कोर्ट ने कल 7 दिन की सीबीआई कस्टडी दी थी और अब इसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में बड़ा अपडेट है। आज सुबह 9 बजे से तीनों आरोपियों को रिमांड पर सीबीआई लेगी। एक और बड़ी खबर महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले से जुड़ी है। सीबीआई जांच की जुडिशियल मॉनिटरिंग कराए जाने को लेकर अर्जी दी गई है। महिला वकील और सोशल एक्टिविस्ट सहर नकवी ने यह अर्जी दाखिल की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को ईमेल भेजा गया है इस बाबत। सहर नकवी महिला वकील, उन्होंने इस सारी जांच की मॉनिटरिंग, जुडिशियल मॉनिटरिंग कराए जाने को लेकर एक ईमेल किया है एक्टिंग चीफ जस्टिस को। तो दो लेटर पिटिशंस पहले भेज जा चुकी हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस को सीबीआई इंक्वायरी के लिए, और अब इस सीबीआई इंक्वायरी की जुडिशियल मॉनिटरिंग के लिए एक अर्जी दाखिल की गई है, एक ईमेल भेजा गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस को। बड़ी खबर, सहर नकवी महिला अधिवक्ता का नाम जिन्होंने ये ईमेल भेजी है एक्टिंग चीफ जस्टिस को। बताइए किस तरीके की लेटर पिटीशन आपने भेजी है, किसको भेजी है और क्या मांग की गई? देखिए सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हुई है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी मांग कर रहे हैं कि इस पे जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है निरंजनी अखाड़े से और उनके निरंजनी अखाड़े के फॉलोवर्स कोई कम तादाद में नहीं, भारी संख्या, भारी तादाद में लोगों की आस्था जुड़ी है वहाँ से, ऐसे में अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है तो लोग कहीं ना कहीं फिर से सवाल खड़ा कर देंगे कि जांच कहीं कम प्रभावित हो सकती है, इससे प्रभावित हुई है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक महान इंसान, एक बड़ा इंसान, एक बड़ा महंत खोया है प्रयागराज ने, तो इसकी अगर मॉनिटरिंग सीबीआई इंक्वायरी की हाईकोर्ट करता है तो एक जांच क्लियर तरीके से होगी, सही तरीके से इंक्वायरी होगी। ये सारे लोग, ऐसे लोगों का मानना है और मांग भी करी गई है, ये हमने भी मांग करी है अपने लेटर पिटीशन के जरिए माननीय अनुबल सीजे से। ये बताइए कि आपने लेटर पिटीशन किसको किसको भेजी है, किसको किसको पार्टी बनाया है? इस पे देखिए स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दूसरे नंबर पे सीबीआई है जिसको मैंने पार्टी बनाया है, और ये हमने मांग करी है कि इस पर मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करे, इस पूरे केस की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं से जांच प्रभावित होने का डर है लोगों। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की मामले की जांच सीबीआई द्वारा शुरू किए जाने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई ये पहली पिटीशन है। इस पर हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा, लेकिन ये तय बात है कि अभी से सीबीआई जांच को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, और यही वजह है कि वकील सहर नकवी ने जो लेटर पिटीशन दाखिल की है उसमें यही मांग की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे जांच की मॉनिटरिंग खुद करे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोहित, एबीपी गंगा, प्रयागराज।